لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم चाहता हूं कि आप लोगों को जहन में अच्छी तरह से बात हो। कल की बात यहां तक हुई थी, आज जो बात करनी है वो ये दूसरा पॉइंट जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो है कि वो एक्सपेरिमेंटल चीजों को एक चीज के लिए महदूद ना करें, उसको ओपन करें, कई एक्सपेरिमेंट्स सामने उसके सामने उसके हाथ में देने की कोशिश करें ताकि वो देखे कि उसकी दिलचस्पी किस चीज में है। बाज़ बच्चे बाज़ खिलौने से खेलते हैं, बाज़ बच्चे बाज़ खिलौनों से खेलते हैं, उस दिलचस्पी को महसूस करें क्यों खेलते हैं। आजकल तो एक ही खिलौने से खेल रहे हैं, वह है गैजेट। अब ये भी बहुत बड़ी बला है, इस पर भी बहस होना चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए, इसकी भी दवा होना चाहिए, इस पर भी मैं आज बोलने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझे। और माँ बाप इसमें बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। आज के जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि 5 ईयर से पहले बच्चे के हाथ में गैजेट मत दो। हम लोग फख्र करते हैं, गुरूर करते हैं, मेरा 3 साल का बच्चा उंगली से पूरा ऑपरेट करता है, मेरी बच्ची पूरे पिक्चर देखती है, मेरी बच्ची पूरे यूट्यूब के पूरे अपने चैनल को खोल सकती है, फख्र की बात नहीं। वो कहते हैं कि ये बच्चा अगर गैजेट से खेलता रहेगा चूँकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसका ख़त्म हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली पिक्चर उसके ब्रेन को सही रहनुमाई नहीं कर सकेंगे। तो 5 ईयर्स तक कोशिश करें माँ बाप बच्चों के हाथ में गैजेट ना दें। क्या माने गैजेट ना दें? खुद गैजेट से हटेंगे तो नहीं दें। आँख खोलते ही बच्चा झूले से देख रहा है, अम्मा के हाथ में भी गैजेट है, बाबा के हाथ में भी, अब्बू के हाथ में भी गैजेट है, बिस्तर में लेटे हुए तब भी गैजेट है, हत्ता मजलिस में बैठ ये हालत हो गई है। बाज़ लोग बच्चे काम कर रहे थे मजलिस मैंने मौलाना बोरिंग मजलिस हो तो क्या करें हम, ऐसा नहीं होता। आप कोई मजलिस बोरिंग नहीं होती, आपको हर मजलिस के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता जो दिया जा रहा है। हर आलिम अपनी सलाहियतों के